आज माघ शुक्ल सप्तमी शुक्रवार 16 फरवरी 2024 है। जय श्री कृष्ण, आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह नाथ द्वारा स्थित प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर का नक्कारखाना द्वार है। समय राजभोग के दर्शनों का है। जो दृश्य आप देख रहे हैं इनमें वैष्णव जन गुलाल से सराबोर नजर आ रहे हैं। संदर्भ यह है कि वसंत पंचमी से ही प्रभु श्री जी में 40 दिवसीय वसंत उत्सव प्रारंभ हो गया है, जिसके तहत प्रभु श्रीनाथ जी को राजभोग के दर्शनों में गुलाल और अबीर से खेल खिलाया जाता है। श्री नवनीत प्रिया जी में यह क्रम ग्वाल एवं राजभोग दोनों दर्शनों में होता है। इसी दौरान वैष्णवों पर भी गुलाल एवं अबीर उड़ाई जाती है। गुलाल के रूप में प्रभु का आशीर्वाद पाकर वैष्णवजन अभिभूत हो रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि जो जो होली के दिन नज़दीक आते जाएंगे त्यों त्यों गुलाल अबीर चंदन और चौवा का यह खेल और अधिक बढ़ता जाएगा। वैष्णव और अधिक सराबोर होकर आनंद लेते रहेंगे। गुलाल और अबीर की सुगंध मंदिर के वातावरण में व्याप्त है, जो अनूठा आनंद प्रदान करती है। इन दिनों विविध राज्यों से विद्यालयों के छात्र छात्राएं भी प्रभु श्री जी के दर्शन करने आ रहे हैं। वे भी इस आनंद से अभिभूत नजर आ रहे हैं। आपके पास भी समय हो तो अवश्य आकर आनंद लें। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथ द्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणाली का के अनुसार इन दिनों 40 दिवसीय वसंतोत्सव की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत माघ शुक्ल सप्तमी को धराए जाने वाले फतवी के नियम के श्रृंगार धराए गए हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। सहज सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री चरणों से दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु को आज लाल रंग के मोजा जी, नूपुर एवं पेंजनिया धराए हैं। अब नित्य नवनीत और परम मंगलकारी
प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर प्रभु ने नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है और अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है आइए दर्शन करें। साज सज्जा के तहत प्रभु श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्वेत मलमल की सादा पिछवाई सजाई गई है जिस पर अबीर और गुलाल से चिड़ियां उकेरी गई हैं। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराए हुए हैं जिन पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। प्रभु के सन्मुख दो रजत के पड़गाजी पधराए हुए हैं जिनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर रजत की त्रिष्टि जी पधराई हुई हैं। अब प्रभु ने वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज सभी वस्त्र श्वेत रंग के लट्ठा से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में सूथन, घेरदार वागा और चोली धराए हैं। बिना किनारी के इन वस्त्रों के साथ गुलाबी झाई वाली फतवी भी धराई गई है। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र श्याम रंग के धराए हैं। श्री चरणों को ढकने के पश्चात सभी वस्त्रों पर गुलाल एवं अबीर से टिपकियों का सुंदर खेल किया गया है। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरणों के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु ने छोटे अर्थात कमर तक के हल्के श्रृंगार धारण किए हैं। आज कंठहार, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण हरे मीणा से सिद्ध किए हुए धराए हैं। श्री कंठ में प्रभु को आज विशेष रूप से हीरा से सिद्ध की हुई एक कंठी धराई गई है। आज फतवी धराए जाने के कारण त्रवल, कटी पेच, बाजू एवं पोची प्रभु को नहीं धराई जाती है। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्वेत रंग की ही गोल पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवा ही सिर पेच धराया गया है। सिर पेच के ऊपर प्रभु को आज मोर पंख का कतरा धराया है। बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण एवं मोतियों के हरे मीणा वाले एक जोड़ी कर्ण फूल धराए हैं। फूलघर की सेवा के तहत प्रभु को आज श्वेत, गुलाबी, पीले और लाल पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धागो वाली दो माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त पर श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए गए हैं। आज दाएं श्री हस्त में पुष्प छड़ी धराई गई है जिसके साथ सुवा वाली वेणु जी भी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर आज एक वेत्र जी धराए गए हैं। ये वेत्र जी भी सुवा वाले सिद्ध किए हुए हैं। श्री चरणों में भी प्रभु को आभरण से ही मिलवा
हरे मीणा से सिद्ध किए हुए नूपुर पायल धराए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है उसमें पट गुलाबी रंग का रुपहरी जरी के किनारी के हाशिया वाला और गोटियां मीणा से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक दृश्यमान हो रही है। इस छवि का प्रभु को अवलोकन करवाने के लिए आज नित्यवत अर्थात रजत से सिद्ध की हुई सुंदर काम वाली आरसी दिखाई है। मंगला राजभोग संध्या आरती और शयन दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जाती है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूधघर बाल भोग रसोई एवं शाकघर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। वसंत ऋतु प्रारंभ हो गई है अतः प्रभु को शाकघर में सिद्ध किए जाने वाले फल फूलों के खेल के साज भोग के दर्शनों में अरोगाए जाते हैं। इसके साथ ही संध्याकालीन दर्शनों में प्रभु को मौसमी फलों का भोग अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। जिन कीर्तनों के भाव से श्री जी की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय सहज प्रीत गोपाले भावे, राजभोग के समय अष्टपदी गाई जाती है जिसके साथ खेलत बसंत बने वीर, आरती में कुछ गड़ुआ जो बन मोर, शयन के समय ऋतु बसंत वृंदावन फूले, कीर्तनों के साथ बसंत राग के अन्य पद भी गाए जा रहे हैं और गुलाल खेल के समय भी बसंत के पद ही गाए जा रहे हैं। संध्याकालीन सेवा में हल्का परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्रीकंठ व श्री मस्तक के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर भी प्रभु को लूम और तुर्रा आज सुनहरी रंग के धराए जाएंगे। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार हो रहा है। राजभोग के दर्शनों में वैष्णवों पर भी गुलाल उड़ाई जा रही है। तिलकाय श्री के सानिध्य में अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और प्रभु के सभी दर्शन आनंदपूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। सहज प्रीत गो पाले भावे, सहज प्रीत गो पाले भावे, मुख देखे सुख होत सखी प्रीतम नयन सुनैन मिलावे,
पाले पाले सहज प्रीत को पाले सहज प्रीत कमल और भाने सहज प्रीत कुमुदिनी और चंदे भाने सहज प्रीत कुमुदिनी और चंद सहज प्रीत कोकिला बसंत सहज सहज प्रीत राधा नदनंदे सहज प्रीत गोपाल भावे सहज प्रीत गोपाल सहज प्रीत चातक और स्वाते सहज प्रीत धरणी जलधारे दास परमानंद मन क्रम सहज प्रीत कृष्ण अवतार सहज प्रीत गोपाल भावे सहज प्रीत गोपाल भावे सहज प्रीत चातक और स्वाते सहज प्रीत धरणी जलधारे मन क्रम वचन दास
परमानंद सहज प्रीत कृष्ण अवतारे आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।